भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेसक्राफ्ट ने शनिवार को पृथ्वी को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली सौर तूफान के संकेतों को रिकॉर्ड करने में सफलता प्राप्त की। इस वजह से धरती के कई हिस्सों में आसमान रंग बिरंगे दिखाई दिए। ये पृथ्वी से टकराने वाला पिछले दो दशक का सबसे ताकतवर सौर तूफान है। इसरो ने इस इवेंट को रिकॉर्ड करने की पूरी तैयारी की थी। आदित्य L1 और चंद्रयान 2 दोनों ने इस सोलर स्टॉर्म को रिकॉर्ड किया और उनका विश्लेषण किया गया। आदित्य L1 पर मौजूद एस्पेक्ट्स पेलोड अब तक उच्च गति सौर पवन, उच्च तापमान सौर पवन प्लाज्मा और ऊर्जावान आयन प्रवाह दिखा रहा है। सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर ने इस सौर विस्फोट घटना के हस्ताक्षर के रूप में सौर हवा के अल्फा कण और प्रोटॉन प्रवाह में इजाफे को कैप्चर किया है। इसरो के मुताबिक ये 2003 के बाद का सबसे ताकतवर जियोमैग्नेटिक तूफान था। इस दौरान सूरज पर फ्लेयर्स वाला क्षेत्र 1859 के कैमरिंगटन इवेंट से भी बड़ा था। इसरो के अनुसार पिछले कुछ दिनों में एक्स क्लास की कई सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से टकराए हैं, जिससे हाई लेटिट्यूड वाले इलाकों में अधिक असर हुआ है और अगले कुछ दिन तक ऐसी घटनाएं जारी रह सकती हैं। बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है और सभी अर्थ ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है जिन्हें चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य दो तरह से एनर्जी रिलीज करता है। पहला, प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है, और दूसरा प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंचती है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इससे बचाती है, लेकिन जब ये ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइटों से टकरा जाए तो ये खराब हो सकती है और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ सकता है। 1859 में सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराया था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इससे टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था। ऐसे में इसरो सूर्य के इस पैटर्न को समझना चाहता है ताकि भविष्य में इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा सके।